हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु, मधु किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिहार की फेमस तरुआ। एकदम देसी अंदाज में आज हम तरुआ बनाना आप सबको सिखाएंगे। ये देसी अंदाज में तरुआ बनाना मैंने अपने सासू माँ से सीखी हुई है। तो चलिए, देर किस बात की, चलिए हम तरुआ बनाने चलते हैं। तो सबसे पहले हम सारे सब्जी की छिलका यहाँ पे उतार लेंगे। ये देखिए, इस टाइप से छिलका उतारी है मैंने, ऐसे करके मैंने सारे सब्जी को छिलका उतार के और कट कर लिया है। आप जो मन करे वो सब्जी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज लहसुन लिया है और 10 बारे सूखी मिर्च लिया है। और यहीं पे हम 2 चम्मच जीरा ले लेंगे और इसे मिक्सिंग जार में ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद चले हम बेसन की घोल तैयार कर लें। तो यहीं पे मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है। आप चाहे तो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम बेसन लिया है, जो हमने मिर्चा, लहसुन और जीरा ग्राइंड किया हुआ था उसे इसमें डाल देंगे। और स्वाद अनुसार आप नमक ले लें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ली है और 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे। और मैंने बड़ा वाला चमचा में 1/2 चम्मच चावल का पाउडर लिया है। चावल के पाउडर डालने से हमारा तरुआ क्रिस्पी होता है। इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके इसका घोल बना लेंगे हम। ये देखिए, हमारा घोल बन गया। और मैंने जो कट किया है सारा सब्जी इसमें डाल देंगे। और एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें सारे सब्जी बेसन में लगा के और इस ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा फ्राई हो रहा है और इसे पलट पलट के फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा तरुआ फ्राई हो गया। और इस तरुआ को हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। आप चाहे तो कभी कभी मीडियम करके भी पकाएंगे, कभी हाई कभी मीडियम पे, ताकि अंदर से कच्चा ना रहे। फिर वैसे ही हम डाल के ऑयल में सारा तरुआ को पका लेंगे और हमारा सारा तरुआ बन के रेडी हो गया। ये देखिए, कितना क्रिस्पी क्रिस्पी बन के हमारा तरुआ रेडी हुआ है। और ये खाने में बहुत ही कुरकुरे टेस्टी लगता है। मिर्चा और लहसुन पीस के डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है और चावल का पाउडर डालने से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार होता है हमारा तरुआ। हमारा तरुआ की रेसिपी आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर हम नए रेसिपी के साथ आप सबसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।